रांची के नगरी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय रेशम बोर्ड ने शनिवार को राष्ट्रीय राजभाषा रेशम तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य रेशम उद्योग के सतत विकास के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार की भूमिका को समझना था, साथ ही हिंदी को विज्ञान का माध्यम बनाते हुए उद्योग की चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजीव कुमार ने कहा कि यह सेमिनार रेशम उद्योग के भविष्य के लिए नई तकनीकों और चुनौतियों पर विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु के सदस्य सचिव पी शिवकु ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ त्रिवेणी साहू और वन उत्पादकता संस्थान रांची के निदेशक डॉ अमित पांडे ने अपने विचार रखे। सेमिनार में तसर रेशम कीट पर डाक टिकट और मत्स्य आहार रेशमीन ट्रेडमार्क का विमोचन किया गया। साथ ही संस्थान के संपर्क और सोशल मीडिया पर QR कोड का भी अनावरण हुआ। संस्थान के निदेशक डॉ NB चौधरी ने कहा कि इस सेमिनार से तसर रेशम उद्योग के विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रेशम कृषकों की आय में वृद्धि होगी। सेमिनार के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के महत्व पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ जयप्रकाश पांडे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉ विशाल मित्तल ने दिया। जब इसका कल्टीवेशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक टोटल इकोसिस्टम की बात करते हैं, जिसमें कि जो जंगल के पास लोग रह रहे हैं उनको हम लोग रोजगार दे रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चैलेंजेस हैं उसको टैकल कर रहे हैं, और जल जंगल जमीन जंतु और जलवायु परिवर्तन ये सभी को एड्रेस करता है। तो जब हम तसर की खेती से यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं तो इतने सारे चीज़ों को एड्रेस करते हैं, तो हमारा ये कहना है कि सभी लोग को इससे जुड़ कर करके काम करने का आवश्यकता है, और ये संस्थान निश्चित रूप से लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। न केवल यहाँ पर अनुसंधान का कार्य चल रहा है, बल्कि इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट के हैं चाहे ग्रामीण हैं, वो सभी को जोड़ के उनको ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे, और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं और इंक्लूडिंग जो बैंगलोर से मेंबर सेक्रेटरी शिव कुमार जी आते हैं या यहाँ के डायरेक्टर साहब, सभी लोग जाते हैं वहाँ पे, जंगलों में भी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मगर के आसपास जो भी है, आप हर एक घर में भी देखिए, पूरा रेलिंग होता है, रेलिंग होने के बाद वीविंग ट्विस्टिंग सब अप टू वीविंग तक होता है। वीविंग होने के बाद उसको है ना मार्केटिंग करने के लिए के बगैर यहाँ पे जाके कोई भी आदमी नहीं खरीदता, उसको मार्केटिंग सिस्टम के लिए भागलपुर में एंटरप्रेनर्स हैं, शॉप्स हैं, वो लोग एक्सपोर्टर्स भी हैं, उसलिए भागलपुर का नाम पर वो बिका होता है। बट कपूर इधर से ही जाए मैक्सिमम कपूर इधर। आज हम लोग एक दिन का सेमिनार तसार टेक्निकल सेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये, मैंने रिसेंट टाइम तसार का प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका है, आप पता है हम पूरा देश में तसार राज्यों 10 राज्यों में तसार प्रोडक्शन होता है, उसमें ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूशन हम लोग का झारखंड से होता है। तो पहले तो 2-3 साल के पहले झारखंड का कंट्रीब्यूशन ऑन एन एवरेज हम लोग रास प्रोडक्शन में 2400 मेट्रिक टन होता था, अब 2 साल के पहले सडनली वो प्रोडक्शन में हम लोग का 900 के नीचे आ गया था। अभी लास्ट ईयर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, अराउंड 1100 हो चुका है। तो कभी एक राज्य पहले आसपास 2400 तक मेट्रिक करके अभी सडनली 50% के नीचे आ गया, मैंने उसका रिलेटेड लाइवलीहुड भी मैंने हैम्बर होता है। तो हम लोग इसमें और थोड़ा सा इंटरवेंशन हम लोग करना चाहते हैं, मेनली ट्रेनिंग में और नया नया स्कीम वगैरह लेके आने में हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके लिए हम लोग का साइंटिस्ट लोग भी मैंने एकदम गांव तक में पहुंचना चाहिए, फार्मर को इस एक्टिविटीज में प्रॉपरली लेके आने के लिए हम लोग ये शुरुआत करें।